सिंगरौली एनसीएम मुख्यालय के अंतर्गत दूधी जुआ परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही है मिसर्स बीजीआर गजराज माइनिंग द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गजराज कंपनी द्वारा मनमानी तरीके से पीएफ काटा जा रहा है, जिसका आज तक कंपनी द्वारा पीएफ नंबर एवं यूएन नंबर तक नहीं दिया गया है एवं सितंबर माह से बढ़े हुए पेमेंट का कैरियर भी नहीं हटाया गया है। श्रमिकों के विभिन्न मांगों को लेकर इंटक में महामंत्री वीरेंद्र बिष्ट से लेकर जारी करे अल्टीमेटम देते हुए 30/8/2019 तक का वक्त कंपनी को दिया गया है। अगर 30 तारीख के अंदर श्रमिकों की सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 30 तारीख के बाद श्रमिकों के काम बंद कर चक्का जाम कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गजराज माइनिंग में जो वहाँ के वर्कर काम करते हैं 4/9/2018 से वेतन बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन एक साल होने जा रहा है गजराज माइनिंग ने अपने वर्करों का एरियर का भुगतान नहीं किया है। वहाँ जो काम करते हैं वर्कर 30 दिन का काम करते हैं, उनको 15 दिन का वेतन दिया जाता है, हफ्ते में 2-3 दिन का उनका हाजिरी काट दिया जाता है और CMPF का किसी तरह का कोई रिकॉर्ड उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। CMPF जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनका कटौती हो रही है, लेकिन CMPF ऑफिस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड जो है वर्करों को नहीं दिया गया है। तो वहाँ इतना शोषण वर्करों का हो रहा है, जिसके खिलाफ हमने पहले भी चिट्ठी दिया था NCL दूधी चुआ परियोजना को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद अभी हमको मजबूरन बाध्य होकर 30 तारीख से काम बंद करने का नोटिस देना पड़ा है और पूरा उनका काम हम लोग बंद करेंगे और जब तक कि उनके हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे।